हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। मैं हूं निशा डागर और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज़ की हमारी सुबह की टेंशन क्या होती है कि लंच बॉक्स में हम क्या बनाएं, और अगर वो बच्चों के लिए बनाना होता है ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, टेंशन और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 60 लंच बॉक्स आइडियाज़, जिसके अंदर हमने आपके लिए बनाई ऐसी रेसिपीज जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और हर रेसिपी दूसरी रेसिपी से बिल्कुल अलग है और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लंच बॉक्स की मेन रेसिपी है मटर पुलाव, जिसके साथ हम लेंगे बूंदी रायता। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे कुकर रखेंगे और उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। मटर पुलाव जो है वो घी में ही सबसे अच्छा टेस्ट देता है, तो इसलिए हम इसे घी में ही बनाएंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे हमारे खड़े मसाले, जिसमें हमने ली है 4 से 5 लौंग, एक बड़ी इलायची और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। फिर हम इसे थोड़ा सा चला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 5 से 6 काजू, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, इससे थोड़ा रिचनेस देता है इसको, दिखने में अच्छा दिखेगा। फिर हम इन्हें हल्का सा पकाएंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे मटर। ये हमने 100 ग्राम के लगभग मटर लिए हैं, इनको छील लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। फिर इसे थोड़ा सा चलाएंगे, मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे राइस, जिसको हमने 1/2 से 1 घंटे पहले भिगो के रखा था। राइस को भिगोने से क्या है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और दूसरा पकने में भी आसानी होती है, ये पकने में कम टाइम लेगा। तो इसमें हमने डाल दिया ये राइस। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला हमने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि उससे इसकी खुशबू अच्छे से बनी रहती है। अगर हम पहले मसालों के साथ डाल देते तो ये जल जाता है और इतनी अच्छी इसमें महक नहीं रहती। और फिर अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, 1 से 1.5 गिलास। पुलाव बनाने के लिए क्या है कि हमें जितना हम राइस लेते हैं उतना ही हमको उसका डबल क्वांटिटी में हमें पानी लेना होगा। जैसे अगर हमने 1 गिलास चावल लिया है तो हम डालेंगे उसमें 2 गिलास पानी। फिर हम कुकर को बंद कर देंगे और हम 1 सीटी लगवाएंगे, 1 से 2 सीटी। ये आपकी चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छा प्रीमियम वाला बासमती राइस लिया है तो उससे क्या है कि आप 1 सीटी में उसे बना सकते हो, या फिर आप 2 सीटी लगा लीजिए। इसका प्रेशर हम जल्दी से रिलीज कर देंगे ताकि ओवर कुकिंग ना हो जाए, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। ये देखिए कितना खिला खिला, कितना अच्छा हमारा मटर पुलाव रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, महक भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब बनाते हैं बूंदी रायता। बूंदी रायता बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे कुछ बूंदी। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी, इसे थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे 1 से 2 मिनट। तब तक हम एक बाउल में लेंगे दही और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट करने से क्या है कि इसका टेक्सचर बहुत, जो रायता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा रायता बनेगा। भिगी हुई बूंदी को हम अब इस दही के अंदर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप चाहो तो काला नमक भी ले सकते हो, वो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो आइए अब लंच बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे ये हमारा मटर पुलाव।
फिर उसके साथ लेंगे बूंदी रायता, फ्रूट्स में हम ले रहे हैं पपाया, आप चाहो तो कोई भी फ्रूट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।